अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमैर कराची वाला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा मैच है मलीर कैंट में, गैरजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मलीर कैंट। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, टीम हमारी तैयार है और देखते हैं कि आज का मैच कैसे होता है। टॉस थोड़ी देर में होने वाला है, लेट्स सी ये बैटिंग है या बॉलिंग है। जी उमर, तो पिच रिपोर्ट के बारे में जरा बताएं, क्या पिच कहती है? स्पिनर तो मतलब क्वाइट ऐसा लग रहा है कि ये स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। बाकी पिच तो अच्छी है, ट्रू पिच लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है खास कि स्लो आएगी विकेट। विकेट तो सही लग रही है, बट स्टिल ये पैचेस जो हैं बाद में तंग करेंगे, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसके स्पिनर ज़्यादा अच्छे होंगे, जो ग्रिप करके बॉल करेंगे उनको बहुत फ़ायदा होगा। ओपनर है, बड़े शानदार किस्म के बैट्समैन है। बताया मैच के बारे में, बताया जरा। कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा परफॉर्म करेंगे। बॉलिंग स्पिन अच्छी हो गई, उन्हें वहाँ पे रोक दिया तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि आज का मैच अच्छा करेंगे। और उनको जितना कम से कम टोटल का अगर रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, 6 ओवर शुरू के अच्छे निकाल लें, तो ऑटोमेटिकली हम गेम में आ जाएंगे। ठीक है, चलो कम ऑन। ओए क्या खेल है, बहुत आला बॉलिंग, बहुत आला बॉल मुबशर, बहुत आला, बहुत आला मुजम्मिल, बहुत आला वेल कैप। आज अब इनिंग ख़त्म हो गई है और 159 टू विन, 159 हो गया। हम लोगों ने हाँ शुरू में बड़ा उन लोगों का रन रेट ज़्यादा था। हमारे 40 रन है। मैं भाई आपकी क्या सीन है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबल बैटिंग दरकार है। बशीर की शानदार बॉलिंग, अपना बैट बैट भी सीधा हो जाएगा और अभी रन तो हमारे सही थे। सही है, 6 ओवर 57 है, अगले 14 ओवर में 100 रन चाहिए। गैप में असल में मैं सोचा था ये शायद बाहर निकाल लेंगे साले, इन्होंने बाहर नहीं निकाले। अभी हम सिंगल भी लेंगे तो डॉट हो जाएगी। आपने 2 रन लिए,
टोटल तीन रन आए क्या? क्या उससे पहले पहले भी चौका हुआ था ना? उमेर आराम से बनेगा, बहुत आराम से बनेगा। अपना गेम खेलो। हार गए, बोलना है 15 रन से, लेकिन बड़ा टफ। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच जो है वो जीतेंगे इंशाल्लाह। मैच हम हार गए 15 रन से, लेकिन बड़ा टफ कंपटीशन हुआ। बैटिंग बड़ी मुश्किल हो गई थी लास्ट में, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच खेलेंगे और जीतेंगे। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।